तो हेलो हेलो, सकते हैं हमारे पास है ओप्पो का A3X 5G मॉडल, जिसमें कि देख सकते हैं ये ग्रीन लाइट का प्रॉब्लम है। ओप्पो A3X नॉर्मल 4G और 5G दोनों का ये जो प्रॉब्लम है आप लोगों के फोन में अगर आ गया है तो आप लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, वही मैं आज आप लोगों को एक वीडियो पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई सा भी कुछ वर्क नहीं कर रहा है, कहीं पे टैप करने से बस ये जो फोन है वो बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको टॉल बैक कहते हैं। ये बेसिकली जो लोग देख नहीं सकते, अंधे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए बना जाता है। ठीक है, तो हम तो देख सकते हैं हमारे लिए बन जाता है ये प्रॉब्लम। इसको कैसे ऑफ करना है, टू फिंगर लेके सिंपल स्वाइप अप कर देना आप लोगों को। करने के बाद आप लोगों को टू फिंगर से स्वाइप अप करके देन आप लोगों को सेटिंग ढूंढना है। ठीक है, तो सेटिंग हमारा यहाँ पे है, सिंगल टैप सिलेक्ट, टू टाइम टैप ओपन। ठीक है, वन टैप करेंगे तो सिलेक्ट होगा, टू टाइम टैप करेंगे तो ओपन होगा। ठीक है, तो टू टाइम टैप करते ओपन हो गया हमारा यहाँ पे। ओपन होने के बाद सेटिंग आप लोगों को ऐसा खुल जाएगा आप लोगों के यहाँ पे। आप लोगों को फिर से टू फिंगर से स्क्रॉल डाउन करना है। करने के बाद आप लोगों को जो है एडिशनल सेटिंग ढूंढना है, इसके अंदर सिंगल टैप सिलेक्ट, डबल टैप ओपन, देन इधर आप लोगों को एक्सेसिबिलिटी सिंगल टैप डबल टैप, देन विजन सिंगल टैप डबल टैप, टॉल बैक सिंगल डबल, इधर से आप लोगों को इसको ऑफ करना है, सिंगल टैप देन डबल टैप स्टॉप डबल टैप। तो हमारा देख सकते हैं जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिक बोलने वाला, वो जो प्रॉब्लम है ग्रीन लाइन वाला सॉल्व हो चुका है। आप लोगों के फोन में भी अगर बिल्कुल ऐसे ही प्रॉब्लम आता है तो आप लोग बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। थैंक यू।